हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। आप लोगों को मेरे पिछले वीडियोस आई होप मिल चुके होंगे और आपने उससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो आज इसी के साथ मैं अपने आगे वाला वीडियो लेके आई हूँ मिश्र की कला का। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके बाद का अब हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं लेकिन आज हम शुरू करेंगे इजिप्ट की मूर्ति कला और साथ ही साथ चित्रकला। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, हमारी कहानी पहले की सुने फिर ही अभी की सुने। एंड साथ ही साथ थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट और फीडबैक कंटिन्यूस मिल रहा है। और भी अगर आप मुझसे कुछ बेटर चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर ड्रॉप करें। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं मूर्ति कला का टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट करके ये बोला था कि आप लोगों को बुक की लिंक चाहिए, बुक की लिस्ट चाहिए जिस बुक से मैं पढ़ी हूँ। तो देखिए, ज़्यादातर तो मैं कोई बहुत ज़्यादा बुक से पढ़ाई करी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुक्स से मैंने स्टडी करा है उसको भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग अभी आज यही शुरू करते हैं मिश्र की कला का स्कल्पचर टॉपिक। तो देखिए, मैंने आप हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं, हम पीरियड वाइज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, थीनी पीरियड पहले आता है, तो उसी का जैसे जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में वास्तुकला पढ़ा, अब हम मूर्तिकला देखते हैं। तो क्या था, इस युग की मूर्तिकला में स्मारकीय शैली की कृतियाँ सर्वप्रथम मिलती है। ठीक है, स्मारक के तौर पर वो चीज़ें सर्वप्रथम मिलती है। सबसे पहली एक मूर्ति है खासे खाम की मूर्ति, एक राजा थे वो साम्राज्य के। और किससे बनी है ये, तो बसाल्ट पत्थर से बनी है। 40 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है। और ये कहाँ पे है, तो एश्लोनियम म्यूज़ियम में ये पहले पाई गई थी। और ये अभी ये एश्लोनियम म्यूज़ियम में दो मूर्तियाँ हैं खासे खाम की। तो जो एक मूर्ति है वो बसाल्ट स्टोन की एश्लोनियम में है और दूसरी कायरो म्यूज़ियम में है। तो ये दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो इन दोनों का डिस्क्रिप्शन है ये। आगे देखते हैं जोसर की मूर्ति। जोसर राजा जिन्हें मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ कि जिनका सकारा में वो भी बना था पिरामिड, एंड प्रथम पत्थर के पिरामिड उन्हीं के राज्य में फुटेप ने बनवाए थे। तो वो उन्हीं की ही ये इस तरह प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि चूना पत्थर से बनी गई है। इसकी साइज़ 140 सेंटीमीटर है और ये लोकेशन के कहाँ पे है, कायरो म्यूज़ियम में ही है अभी। और इसकी एक जो प्रतिकृति है वो सकारा में भी प्राप्त हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सकारा में ही उनका वो है पिरामिड, तो वहाँ पे उनका प्राप्त हुई थी। अब प्राचीन राज्य में आते हैं, तो सबसे पहले नरसिंह की मूर्ति स्फिनिक्स। तो देखिए, स्फिनिक्स दोस्तों क्या होता है, पहले भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिनकी बॉडी और फेस का हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है। मतलब या तो बॉडी एनिमल की होगी तो फेस मैन का होगा, और अगर फेस मैन का होगा तो बॉडी एनिमल की। इस प्रकार की जो चीज़ होती है वो स्फिनिक्स है, और वो इजिप्ट में सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो ये एक तरह की मूर्ति है यहाँ पे ही। ये कहाँ पे, देखिए, जहाँ हमने बताया था ना कि गीज़ा के पिरामिड्स हैं, फेमस पिरामिड, उसी के लोकेशन पे ही वहीं पे ये एक इस प्रकार की मूर्ति भी मिली है। काय से बनी है, चूना पत्थर से बनी है। इसकी साइज़ कैसी है, तो 240 सेंटीमीटर लंबी है, और मतलब लंबी है, नीचे से देख सकते हैं 66 फीट ऊँची है। और चेहरे की चौड़ाई भी दे रखी है 13.5 फीट, और पंजे 50-50 फीट के हैं। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ है, मैंने बताया आपको, गीज़ा में है। इस मूर्ति में शरीर सिंह का, देख सकते हैं आप कैसे पूरा एक शेर का शरीर बना हुआ है, लेकिन चेहरा जो है इसमें मानव का दिया गया है। आमतौर पर यह चेहरा खफरे का प्रतिनिधित्व के लिए मानी जाती है। सबसे जो खफरे राजा हैं जिनके पिरामिड्स भी थे, वो उनका ये प्रतिनिधि है। तो ये इस प्रकार का स्फिनिक्स इसलिए वहाँ पर ऐसा बनाया गया है। दूसरी मूर्ति देखिए, तो खफरे जी की ही मूर्ति है एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट स्टोन से बनी है ये। इसका ये कहाँ पे है, कायरो म्यूज़ियम में ही है ये भी। मोस्टली मूर्तियाँ वहीं पाई गई है इजिप्ट के कायरो म्यूज़ियम में। और मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है एवं दोनों हाथ पैर पर विश्राम, इस तरह दोनों हाथ पैर के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, किए हुए हैं उनकी प्रकृति
दाढ़ी जो उनकी है वो बिल्कुल नेचुरल दिखती है। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल नेचुरल। और सर के पीछे जो है एक बाज पक्षी इस प्रकार बैठे हुए जो मतलब एकदम देखिए सामने से तो नहीं दिखते लेकिन साइड से देखेंगे तो दिखते हैं। तो बाघ पक्षी उद्यान है जो हैरोस देवता का प्रतीक माने जाते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, तो इसको यूरेशियन स्पैरो हॉक ये इस नाम का पक्षी बैठे हैं पीछे, ठीक है। आगे देखिए रेनेफर की मूर्ति, रेनेफर सकारा उनकी मूर्ति है, ये 5वें साम्राज्य में बनी थी। इसका मटेरियल क्या है, ये भी चूना पत्थर से, लेकिन ये पेंटेड है, आप देख सकते हैं पेंट की भी। और दोस्तों पेंटेड मूर्तियाँ इजिप्ट में ही शुरुआत हुई है, पाई गई है और इजिप्ट से इसकी शुरुआत हुई है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका लोकेशन भी कायरो म्यूजियम इजिप्ट में है। यह एक बड़ी प्रतिमा है एवं रंगीन है। इसका बायां पैर हल्का सा आगे है, आगे की ओर बांधा हुआ है। देखिए ये देखेंगे आप कि एक जो लेफ्ट पैर है वो उनका आगे की तरफ है इस तरह से, ठीक है। अब रोहतेप और उनकी पत्नी की ये भी कलरफुल मूर्ति है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतेप और उनकी क्वीन जो थी नोफरेट, उनकी जो पत्नी है वो किसने बनवाई थी, तो खुफू के ही जो भतीजे थे मैदुम, उनने ये बनवाई थी, है ना। अब इसका मटेरियल क्या है, ये भी चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट स्टोन इससे बना गया है। ये साइज़ 121 by 51 सेंटीमीटर की है और ये भी कायरो म्यूजियम इजिप्ट में है। अब रोहतेप की मूर्ति यहाँ लाल रंग से और नफरेट की पीले, मतलब हल्का सा येलो कॉम्प्लेक्शन है, इसमें एकदम वाइट सा दिख रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ है इजिप्ट में जितने भी पेंटिंग्स स्कल्पचर पाए गए हैं तो मैन को यूजुअली रेड रेड कलर की टोन से बनाया गया है और जो येलो का हल्का से येलो शेड में वुमेन्स को बनाया गया है, मोस्टली सब में ऐसे ही मिलेगा ना। एक और है सीटेड राइटर बैठे हुए ऋषि का, वो भी सकारा से प्राप्त हुई थी। चूना पत्थर क्वार्ट्जाइट तांबा से बनी गई है, ये तीनों के मिक्सचर से बनी गई है। इसका साइज़ क्या है, 53.7 by 44.35 सेंटीमीटर। ये कहाँ पे है, तो ये पेरिस के लोवर म्यूजियम में अभी पड़ी है। अब मध्य राज में आते हैं तो वहाँ पे इंफोटेप का स्कल्पचर मिला है। इंफोटेप फिर से याद दिलाती हूँ, जिनने पहला पिरामिड बनाया था, जोसर का पिरामिड स्टोन का उन्हें बनाया था, उनको प्रथम वास्तुशिल्पी भी कहा जाता है। तो उनकी ही मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई है। वो किस मटेरियल से बनी है, तो ब्रॉन्ज की जो मूर्ति उससे बनी गई, सकारा से प्राप्त हुई थी। और इंफोटेप तृतीय की प्रतिमा, सिसोस्त्रिय प्रथम की कड़ी प्रतिम और सुनने की प्रतिमा भी यहीं से प्राप्त हुई है। ये तीन और मूर्तियां हैं जो भी प्राप्त हुई है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं तो मैं ज़्यादा उसका डिटेल में नहीं गई हूँ। फिर आते हैं नवीन राज में, तो यहाँ पे कॉलोसी ऑफ मेमो बोलते हैं, मेमोनी की कॉलोसी उनकी मूर्तियाँ हैं। देखिए ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति क्वार्ट्जाइट स्टोन से बनी हुई है। यहाँ पे लोग जाते हैं और विजिट कर देखते हैं अभी भी। कहाँ पे है ये, नेक्रोपोलिस थीप्स के एरिया में ही, नेक्रोपोलिस जो जगह है वहाँ पर ये प्राप्त हुई है। 60 फिट लंबी प्रतिमाएँ हैं ये। यह एम्फोटेप तृतीय को समर्पित है, कहते हैं कि ये तृतीय को ही समर्पित है। फिर आते हैं नेफर्टिटी की मूर्ति। नेफर्टिटी की देखिए कितनी सुंदर, इनको मतलब इजिप्ट की बहुत सुंदर रानी माना जाता था। मतलब जैसे जिस तरह के इनको ऐसा कंपेयर करेंगे कि जिस तरह से हम मोनालिसा की पेंटिंग मतलब एक ब्यूटी के उससे, वैसे नेफर्टिटी को भी एज अ ब्यूटी पाया जाता था वहाँ पे, ऐसा वो लोग मानते थे। तो उनकी ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा वो भी वहाँ प्राप्त हुई है। कैसी आधी इस तरह की आधी मूर्ति है, वो प्लास्टर लेपित चूना पत्थर से बनी गई है, उसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ है। उसके साइज 19 इंच है। लोकेशन क्या है, तो न्यूस म्यूजियम बर्लिन जर्मनी, जर्मनी में यह भी है। और कौन सी मूर्ति है, तो अखेनातेन की मूर्ति, ये भी 9वें साम्राज्य की है, बलुआ पत्थर से बनी है, कायरो म्यूजियम इजिप्ट में पड़ी है। आप पास में देख सकते हैं ये मूर्ति है। और है ओसिरिस की मूर्ति। ओसिरिस फिर से पूछ रही हूँ आपसे ही कि ओसिरिस क्या होता है। ओसिरिस इजिप्शियन गॉड, जो वो उनके लिए भगवान होते हैं, उसकी मूर्ति भी इनको मिली है। वो भी कैसे, प्लास्टर लेपित लकड़ी से बनी है ये दोस्तों। और लोकेशन क्या है, ये भी पेरिस के लोवर म्यूजियम में मिली है। अब ये थी मूर्ति कला, और अब हम पेंटिंग देख लेते हैं। तो पेंटिंग भी ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। थीनी युग में
जो पेंटिंग है वो कैसी है, भवनों की भित्तियों एवं द्वारों पर प्रतिमा उत्कीर्ण है जिनका चित्रण प्राचीन राज्य के अंतर्गत चित्रित नियम जैसा है। समाधि ग्रह की भित्ति के अलंकरण में चित्रकला महत्वपूर्ण समझी गई। समाधि ग्रह के जो जो बनता था, देखिए सब चीज़ मैंने आपको बोला है कि उसका मेन उद्देश्य क्या रहता था, बस कि कैसे अपने मतलब राजा की जीवन मृत्यु के बाद के जीवन को संवार सकें, तो वो जो समाधियाँ बनाते थे तो उसी पर चित्रकला अंकन करते थे, रेलिप्स बनाते थे। तो यही पेंटिंग्स अभी हम यही देखेंगे, इसी तरह का काम यहाँ पे मिला है। नुबिया विजय के उपलक्ष्य में एक चट्टान पर चित्र उत्कीर्ण है। इस कलाकृति का लक्ष्य समग्र शक्ति प्रस्तुत करना है, मतलब राज्य की शक्ति प्रस्तुत करना है। तो देख सकते हैं आप, ये पेंटिंग दिख रही है, ये थोड़ा सा इस तरफ खिसक गया है, मैं बता देती हूँ कि 3000 ईसा पूर्व में बनी है। इसका मटेरियल क्या है, हाथी दांत से बनी गई है ये। और अभी ये कहाँ पे है, तो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है, ठीक है। और पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, इस तरह की थीनी युग में बनी थी। उनका फिगर एनाटॉमी देखिए, उनका कलर्स कॉम्बिनेशन देखिए, और उनका एक तरह से मैं बोलूँगी सब्जेक्ट देखिए, कि वो सब्जेक्ट में एक तो चीज़ लेबर दिखाया गया है, मतलब मजदूरों का जिस तरह से काम, और दूसरा चीज़ कि राजा को बहुत बड़ा बताया गया है, जबकि सभी पेंटिंग्स में इसी प्रकार की चीज़ें मिली है। तो फिर हम आ जाते हैं प्राचीन राज्य में। तो यहाँ पे देखिए, इस युग में प्रधानतः समाधि की कला के साथ चित्रकला एवं रेलीफ का विकास भी हुआ है। समाधि की कला हम जानते हैं, पिरामिड वगैरह बने थे इसमें। तो इस समय रंग जो प्रकृति से प्राप्त हुए वही भरे गए, जिसमें पुरुष का रंग लाल तथा महिलाओं के पीले टाइप्स के बताया, मैंने बताया आपको ये। और संक रिलीफ, डूबे हुए रेलीफ का विकास यहाँ हुआ है। कैसे, देखिए आप ये प्रथम द्वितीय पिक्चरों में देखिए कि ये कैसे, ये उभरी हुई है, ये रिलीफ है, लेकिन इसको संक रिलीफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो आउटलाइन आप देख सकते हैं कैसे अंदर धसी हुई है, तो वही उसी को संक रिलीफ कहते हैं। तो वो चीज़ें जो है इजिप्ट में प्राप्त हुई है। अब मध्य साम्राज्य में आते हैं, तो इस युग में समाधि ग्रह के छतों पर चित्र अंकित किए गए। स्टोर रिलीफ एवं डूबी हुए रिलीफ दोनों ही पद्धति इसे यह कार्य हुआ है। इस राज्य में लुच लुच नवीन विषय भी चित्रित हुए हैं, स्थानीय महत्वपूर्ण घटनाएं, राजकुमार आदि, मतलब इस तरह से जो मतलब बोलेंगे कि राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स, जो उनकी घटनाएं होती है वो भी इधर अंकन हुआ है। और दोनों प्रकार के रिलीफ मिले हैं, मतलब वो संक रिलीफ भी और जो नॉर्मल अपना जो रिलीफ होता है वो भी पेंटिंग्स यहाँ प्राप्त हुई है। तो ये देखें आप, एक ये है सूरनपुत द्वितीय के कब्र में जो चित्र बना है, कब्रों में भी देखिए चित्र बनाते थे, तो ये चित्र आसवान की इजिप्ट में इस प्रकार का बना हुआ है, रिलीफ है ये। और ये दूसरा क्या है, तो ये जवानों का जो वीर जवान है उनका रिलीफ बना था, चित्रित चूना पत्थर से ये बना गया है। अब आते हैं नव साम्राज्य में, तो रिलीफ और चित्रकला का इस समय अच्छा विकास हुआ। राजा रानियों देवताओं के कई दृश्य भित्तियों पर बने पाए गए। तूतस्मो तृतीय की समय की कला में विलास वैभव तथा शान शौकत का चित्रण। अब देखिए, हमने बोला था आर्किटेक्चर में भी यही हुआ था, मूर्तिकला में भी यही हुआ, और पेंटिंग में भी, कि अब शान और शौकत और अच्छे से उसका अंकन होने लगा। इस समय नवीनता, नारी सौंदर्य के प्रति आकर्षण, सहजता, स्वाभाविकता और जीवन के सामान्य वास्तविकता एवं जीवन के प्रति निकटता की ललक इस युग की कला में दृष्टिगोचर होती है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट वर्क इसमें देख सकते हैं, तो नेफर्टिटी एवं उसकी तीन बेटियों का रिलीफ चित्रण देख सकते हैं आप, चूना पत्थर पर। नेफर्टिटी कहते हैं, नेफर्टिटी और उनकी बेटी का, तीन बेटियों का रिलीफ चित्रण है ये। सोमलिना की क्वींस है ना, उनके चित्रण भी यहाँ पे इस तरह के पाए गए हैं। हस्तचूत की रानी का चित्र भी ये इस तरह से मिला है। माना जाता है कि रानी जी जब अपने संतान को जन्म दे रही थी, उस समय का चित्र भी वहाँ पे बहुत अच्छे से अंकन किया गया है। तो लेकिन ये बहुत पुराने अवशेष हैं, इसलिए ढंग से नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की नर्तकियों और डांसर्स की मूर्तियाँ भी मिली है, आप देख सकते हैं। इनको एक लाइन फॉर्म में बनाते थे वो लोग, इस तरह से लाइन में दिख रहे हैं। इजिप्ट की इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स हमें मिलेगी। दूसरा, जो वॉर की पेंटिंग्स हैं, युद्ध के चित्रण भी मिले हैं। रेमेसिस द्वितीय का ये वॉर का चित्र ये भी यहाँ पे मिला है। अब हम आप बोलेंगे कि मैंने साइट पीरियड के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसमें अलग अलग डिस्क्राइब नहीं करके साइट पीरियड को इकट्ठा ही एक तरह से बता दिया है कि क्या क्या होता है। देखिए, इस युग का मिश्र थीबन तथा थीनी इन दो धाराओं में विभक्त हो गया। लीबियन राजा, जैसे 22वें राजवंश तक हम आए, तो जो लीबियन राजा थे
वो इतना ज़्यादा समय तक एकता नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो वो डिवीज़न हो गया वहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, देश में किसी बड़ी स्मारक का जन्म तो नहीं हुआ। 21वें राजवंश में समय समाधि ग्रहों के साथ कला का थीबन युग समाप्त हो गया, है ना। नूबियन युग में समाधि ग्रहों में 25-26 राजवंश जो नूबियन युग था, प्राचीन विषयों का अनशन हुआ, प्राचीन ही विषयों का अनशन हुआ। इसमें प्रतिमाओं की सीमा रेखाएं पहले के समान स्पष्ट एवं विवरणात्मक नहीं थी। देखिए अब चेंजेस शुरू होने लग गया, दैट मीन्स अब हम जैसे मेसोपोटामिया में जाएंगे ना, तो जिस तरह से हर यहाँ पे जो एक ड्राइंग था किसी भी चीज़ का, चाहे वो मूर्तिकला हो चाहे वो पेंटिंग हो, वो बहुत स्पष्ट था, बहुत ही एक कट टू कट उसकी लाइंस और ये सब थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये धीनी पीरियड सॉरी साइड पीरियड में आए, लेट पीरियड में आए, तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी सौम्य होने लगी, और देखेंगे हम कि मेसोपोटामिया में और कम हो जाएगी वो। तो ये चीज़ें, ये परिवर्तन आए। अब देख सकते, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप इसकी पेंटिंग्स को ही देखें इधर, तो आपको दिखेगा कि उनकी फिगर एनाटॉमी कितनी चेंज हो गई अंतिम उसमें आते आते। तो मिश्र के 28वें राजवंश सम्राट के रूप में अचमेनिद डेरियस की मूर्ति ऐसे मिली है, देखें आप, ये किसकी, सैक्रोफेगस की पेंटिंग, सैक्रोफेगस का जो कब्र था, उनकी ऐसे कब्र के ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे, तो वो भी दिखी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी एनाटॉमी कितनी डल हो रही है, मतलब डल नहीं हो रही, मतलब जैसे वो इजिप्ट में जिस तरह से लॉ ऑफ फ्रंटेन बिल्कुल क्वाड्रेंगुलर में पूरा एनाटॉमी होता था, इस प्रकार यहाँ पे अब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होने लगी। और इधर आप दोनों पेंटिंग्स में देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं अब पूरे टॉपिक में ही नहीं समझा पाई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको अलग से ले लिया, कहीं आया नहीं, तो इसलिए वर्ड टू वर्ड ही हमको ज़्यादा कुछ ओवर लेना नहीं होता है। तो देखिए लॉ ऑफ फ्रंटेलिटी क्या होता है, बहुत ज़रूरी है हम अगर इजिप्ट का वो पढ़ते हैं तो ये फराओ इंसान और परमात्मा दोनों थे उन लोग के लिए, जो किंग थे वो, इसलिए उन्हें विशिष्ट रूप से चित्रित करना आवश्यक है। पेंटिंग या रिलीफ में फिरौन को आकर्षित करने का यह निर्धारित तरीका है, कैसा, प्रोफाइल दृश्य सिर पैर हाथ और पेट के साथ था, लेकिन ललाट कंधे धड़ और आंखें सीधी थी, सॉरी उसमें कैसे क्या करते थे वो लोग, देखिए आप नीचे देख सकते हैं लॉ ऑफ फ्रंटेलिटी क्या था, कि जो उसका सिर था, जो पैर थे, वो हाथ थे, वो किस तरह का दृश्य करे थे कि जैसा साइड व्यू है, प्रोफाइल व्यू है, लेकिन जो उसके कंधे थे, जो उनका धड़ था और आँखें, वो इस तरह से बनाए जाते थे कि सीधा व्यू। तो ये जो एक लॉ है, ये इस तरह की फिगर्स इजिप्ट में पाए गए हैं और इसी को फ्रंटेलिटी लॉ कहा जाता है। और दूसरा क्या है, हैमुट। तो हैमुट क्या होता है दोस्तों, हैमुट का अर्थ होता है वो काम करने वाले जो मजदूर जो वहाँ पे काम करते हैं, उसका दृश्यन भी बहुत अच्छे से इजिप्ट में हुआ गया है। एक चीज़ और बताऊँगी कि वहाँ पे मतलब एक गॉड को, उनके गॉड को या उनके राजा को बड़ा बताने के लिए ऐसे बहुत चित्र हुए हैं जिसमें बड़ी आकृतियाँ राजा की है, उनके भगवान की है, और जो मजदूर है, जो हैमुट है, उनके छोटे छोटे उसमें जो कार्य कर रहे हैं और एक तरह से बोलेंगे पीड़ा सह रहे हैं, तो वो चीज़ वो छोटा उनको बताया गया है। तो हैमुट जो है वो उनके मजदूरों को कहते हैं, और हेमू वो किससे बना है, हेमू वर्ड से बना है, और वो हेमू वर्ड कार्य काम को कहते हैं। तो ये इस तरह का कुछ चीज़ें थी जो इजिप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको और भी कहीं से कुछ प्राप्त होता है तो आप बिल्कुल उसे भी अपने नोट्स में ऐड करें, और आई होप मेरी ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी, तो आप उसमें ये भी आप उस प्रकार से अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। एंड एक फॉर्मूला के बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते दोस्तों, फर्स्ट टाइम में भी हम क्लियर बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम अपने इस कोर्स वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम अगले, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके आपसे टाटा कहती हूँ, और अगले टॉपिक को, मेसोपोटामिया की कला को भी जल्दी लेके आऊँगी, और नेवर फॉरगेट के वो